आज के स्टूडियो में आपको आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जो कि इस टाइम पर बेबी मून सेलिब्रेट कर रही हैं, उससे वीडियोस पिक्चर्स जिस तरीके से आलिया भट्ट पोस्ट कर रही हैं और ये बात आखिर तौर पर कहां से कंफर्म हुई वो आपको मुकम्मल तौर पर दिखाएंगे बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करते जाएँ। आपको बताते चलें आलिया भट्ट के बारे में जो कि करियर के इस टाइम पर पीक पर हैं और शादी के फौरन बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को अपनी तमाम चीज़ों को फैंस के साथ शेयर किया, जबकि उनकी बहुत सारी मूवीज इस टाइम पर रिलीज में है। कुछ गंगूबाई रिलीज हो गई, डार्लिंग रिलीज हो चुकी है, जबकि ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है और यहीं पर उन्होंने इन तमाम चीजों में से ब्रेक लेते हुए अपनी प्रेगनेंसी को तो कंटिन्यू किया लेकिन प्रमोशन फिल्म्स की हर चीज करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि मैं 100 साल तक की उम्र तक काम करना चाहूंगी क्योंकि काम मेरी रूह का सुकून है। यहीं पर अपने काम से ब्रेक लेते हुए दोनों को मुंबई के एक एयरपोर्ट पर देखा गया, स्नैप किया गया, जहाँ पर दोनों एक बहुत ही रिपोर्टली के मुताबिक ये बात की गई है कि दोनों बेबी मून मनाने के लिए इस टाइम पर आउट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर के साथ जिसमें आलिया भट्ट सन के इस पिक्चर फैंस के साथ पोस्ट की और सन के इस पिक्चर पोस्ट करने के बाद आलिया भट्ट ने लिखा, इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दिस सनशाइन, थैंक यू फॉर ऑल द लव माय लवलीज। और यहीं पर इसी खूबसूरत सी पिक्चर के कमेंट में सोनम कपूर ने जिस तरीके से लिखा, आई वेंट देयर फॉर माय बेबी मून टू, इट्स लिटरली द बेस्ट, हैव फन। इसी वजह से फैंस को बहुत ज्यादा ये कन्फर्म हो चुका है कि इस टाइम पर वो रणबीर कपूर के साथ बेबी मून सेलिब्रेट कर रही है और वो सारे का सारा टाइम सिर्फ अपने हस्बैंड रणबीर कपूर के साथ गुजारना चाहती हैं, जो कि फैंस को वाकई अच्छा लगा क्योंकि शादी के बाद से ये फर्स्ट हनीमून है, ये फर्स्ट वेकेशन है जो कि उन्होंने अपने हस्बैंड रणबीर कपूर के साथ कुछ वक्त गुजारने का स्पीन के बेबी मून स्पेंड करने का सोचा है। अगर आपको आलिया भट्ट की पिक्चर, उनका बेबी मून की वीडियो, उस पिक्चर कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।